एनडीए में शामिल शिवसेना ने राम मंदिर को लेकर एक बार फिर मोदी सरकार पर हमला बोला है। शिवसेना का कहना है कि अयोध्या में राम मंदिर का वादा महज जुमला था। राम मंदिर को लेकर शिवसेना का मोदी सरकार पर फिर निशाना, कहा मोदी सरकार में राम मंदिर जुमला निकला। शिवसेना ने सामना में राम मंदिर पर आर्टिकल लिखकर सरकार को घेरा। राम मंदिर पर आज के सामना में सरकार पर निशाना साधा गया है। सामना शिवसेना का मुखपत्र है जिसके जरिए वो सत्ता पक्ष और विपक्ष पर निशाना साधते हैं। पूर्ण बहुमत के बावजूद मोदी सरकार पर राम मंदिर नहीं बनाने का आरोप है। शिवसेना ने कहा अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर मोदी सरकार चुप है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर शिवसेना ने मोदी सरकार को फिर घेरा है। शिवसेना ने सामना में सरकार पर निशाना साधते हुए राम मंदिर को जुमला बताया है। शिवसेना ने कहा कि देश के लोगों ने राम मंदिर निर्माण के लिए बीजेपी को पूर्ण बहुमत दिया, लेकिन चार साल बाद भी राम मंदिर निर्माण को लेकर सरकार चुप्पी साधे हुए है। अध्यादेश लाइए राम मंदिर निर्माण के लिए, ऑर्डिनेंस लाइए, हमारे पास पूरे मेजोरिटी और बहुमत है और यही भूमिका विश्व हिंदू परिषद की भी है, तो दोनों में कोई मतों का डिफरेंसेस नहीं है, हम एक एक मत से हम करना चाहते हैं। चुनाव आते ही आप राम मंदिर पर आ गए, तो आप देश को विकास के रास्ते पर लेना चाहते हो, देश को नीति कार्यक्रम सिद्धांतों के आधार पर चलाना चाहते हो, या भावात्मक मुद्दे लेकर के आप राजनीति करना चाहते हो? वही शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती ने कहा है कि राम मंदिर का निर्माण अब योगी नहीं साधु संत करेंगे। ईवीएम को पहले ही उठाना चाहिए था, अब जब जनता कार्यों से असंतुष्ट है, राम मंदिर का मुद्दा उठा रहे हैं। स्वरूपानंद सरस्वती ने राम मंदिर को लेकर सरकार पर लोगों का ध्यान भटकाने का आरोप भी लगाया।